जब भी मैं मक्का या मदीना गया, सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तानी नजर आते हैं आपको वहां, सबसे ज्यादा। मेरा दावा है कि रोजे भी ये रखते हैं, हज भी ये पाकिस्तानी करते हैं, पैसा भी सबसे ज्यादा पाकिस्तानी अल्लाह के नाम पे देते हैं। मैं सबसे ज्यादा पैसा पाकिस्तानियों से इकट्ठा करता हूँ, अल्लाह के नाम पे सबसे ज्यादा पैसा भी देते हैं। लेकिन मसला ये है, एक तरह आप सेकुलर वर्ड इस्तेमाल कर ले, हम असल में सेकुलर बन गए कि हम एक तरफ आशिक रसूल भी हैं, सबसे ज्यादा हमारा दीन के ऊपर जोर है, लेकिन दूसरी तरफ जो नबी की सीरत है उसकी और हमारी जिंदगी में ताल्लुक ही कुछ नहीं है। इतना बड़ा फासला है उसके बीच में कि जो कौम गर्मी में पानी अल्लाह के खौफ से नहीं पी सकती, तो सोच लें कि वो अल्लाह के खौफ से सच भी बोल सकती है, वो रिश्वत भी नहीं लेगी, वो टैक्स भी अपने पूरे देगी, तो उस कौम को तो कोई रोक ही नहीं सकता। यही था मदीना की रियासत में, वो कैसे अजीम कौम बनी, खौफ खुदा था उनको, वो अपने ऊपर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी थी कि अल्लाह देख रहा है, जिस तरह कि मैं कमरे में जाके पानी पीऊं तो अल्लाह देख रहा है, उसी तरह मैं कोई गलत काम करूंगा अल्लाह देख रहा है। वो कौम की जो कैरेक्टर था वो ऐसा था कि सिर्फ मुसलमान ताजरों को इंडोनेशिया और मलेशिया में कोई फौज नहीं गई थी मुसलमानों की, उनके कैरेक्टर की वजह से लोग मुसलमान हो गए। इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा अजीम कौम का कैरेक्टर नहीं है। अजीम कौम बनने के लिए अजीम कैरेक्टर